क्वेश्चन है तो देखिए, अ क्वाइन इज बाइज्ड सो दैट हेड इज 3 times लाइकली टू अकर एज टेल। इफ द क्वाइन इज टॉस ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टेल्स का हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। देखिए, एक बाइज्ड क्वाइन है। बाइज्ड मतलब क्या है कि क्वाइन में डिफेक्ट है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम उसे टॉस करते हैं तो उसमें हेड ज्यादा अपीयर होता है और टेल कम अपीयर होता है। कितना ज्यादा अपीयर होता है, अगर मान लीजिए कि 3 times अपीयर होता है, यानी कि अगर हम 4 toss करेंगे तो 3 times आपका क्या आएगा, 3 times आपका हेड आएगा, 1 time आपका क्या आएगा, 1 time पे आपका टेल आएगा। ठीक, तो करते हैं इसको हम। लेट सपोज कॉइन इज टॉस्ड 4x times। ठीक, तो 4x times हमने टॉस किया है। ठीक, तो 3x times आपका हो रहा है टेल अपीयर्स, सॉरी हेड अपीयर्स। ठीक, और आपका x times आपका क्या हो रहा है, टेल अपीयर्स। ठीक है, तो अगर हम हेड की बात करें, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3x/3x+x। ठीक है, तो यहां से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक, वो कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। ठीक, और अगर हम बात करें टेल की, तो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x/3x+x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/4। ठीक, तो 1/4 आपकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी हेड। ठीक, प्रोबेबिलिटी हेड हेड हो जाएगा। देखिए, हमें टेल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें बताना है, टेल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन बताना है, यानी कि अगर 2 उछाल हम करते हैं, 2 उछाल अगर हम करें और दोनों बार हमें टेल ना मिले, 0 बार टेल मिले, यानी कि दोनों बार हमें क्या मिले, हेड मिले। ठीक, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी वो 3/4 × 3/4। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9/6। ठीक, तो ये आपकी हो जाएगी 9/16। ठीक, और प्रोबेबिलिटी हेड टेल, ठीक, यानी कि एक बार हेड आएगा तो अपने आप दूसरी बार क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए ये हो सकता है, एक बार आपको मिल सकता है हेड टेल मिल सकता है और टेल हेड मिल सकता है। ठीक, दोनों में से आपको कुछ भी मिल सकता है। ठीक, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4 × और ये क्या हो जाएगा आपका 1/4, और का मतलब होता है प्लस, और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 और ये आपका 3/4। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6/16। ठीक है, 6/16 हो जाएगा। ठीक, तो 6/16 को हम चाहे तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 की टेबल से अगर हम काटेंगे तो इसको ये 3 times और ये आपका कितना, 8 times आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3/8 आपको मिल जाएगा यहां पर। ओके, तो अब हम यहां पर लास्ट सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर दोनों बार आपको क्या मिले, टेल मिले, तो प्रोबेबिलिटी टेल। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4 × 1/4। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 1/16, तो ये आपका हो जाएगा 1/16। ठीक, अगर अगर आपको आंसर चेक करना है तो देखिए इसका जो सम है, ठीक, सम है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 1
होना चाहिए। और देखिए बीच में ये आपका 3/8 लिखा है, तो हमने जब सॉल्व किया था तो ये 3/8 से पहले 6/16 आया था, ठीक। तो आपकी जो आंसर बुक है, आंसर शीट में आपका 6/16 लिखा हुआ है, तो इसको बना रहने देते हैं, 6/16 ही इसे कर देते हैं, ठीक है। बस ये आपकी फाइनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है।